एक मिनट आता हूँ. तो लेट्स बिगिन. तो दोस्तों, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम दोनों. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Vivo V7 Plus के बारे में. आपने इसका नाम तो बहुत सुना होगा. अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप रास्ते पे कहीं पे भी घूमिए, आपको जहाँ तहाँ Vivo और Oppo के पोस्टर्स ही दिखाई देंगे. अगर आपको नहीं दिखता तो मतलब आप इंडिया में रहते ही नहीं हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं Vivo के प्राइस के बारे में. तो Vivo V7 मिलता है आपको 21,990 रुपये का, मतलब 10 रुपये कम, आपको 22,000 रुपये का ही मिलने वाला है वो फ़ोन. अभी उसके बात करते हैं हम लोग उसके स्क्रीन के बारे में. स्क्रीन का रिजोल्यूशन है 1920x780p. क्या बता, 720p खाली 22,000 के फ़ोन में, 720p मतलब फुल HD भी नहीं है भाई. इन्होंने फ़ोन दिया है कि मजाक किया है. तो हम लोग अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर रैम वगैरह के बारे में. इसमें रैम है 4GB और इस फोन ने प्रोसेसर भी दिया है जो है क्वालकम स्नैपड्रैगन 450. एक बार फिर से रुको, क्या 450? भाई अब तो पक्का हो गया. 22,000 के फोन में स्नैपड्रैगन 450 दिया, लगता है मजाक ही किया है हम लोगों ने. तो अब हम लोग इसके इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं. 4GB रैम है, 64GB का इसमें इंटरनल आपको मिलता है. अब इसका मेन चीज़ जो है, इसका मेन चीज़ जिसकी वजह से Vivo और Oppo फेमस हुआ है, वो है उसका कैमरा. फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिलेगा 24 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर के साथ, मतलब 2.2 एपर्चर भी नहीं दिया 24 मेगापिक्सल के कैमरा में. और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ 24 मेगापिक्सल पर आप मत जाइए. कैमरा पूरा एक मॉड्यूल के साथ बना हुआ होता है, उसमें सेंसर्स होते हैं, GPU होते हैं और उसका लेंस होता है, सब अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए. सिर्फ मेगापिक्सल से कुछ भी नहीं होता, एपर्चर भी बहुत मायने रखता है. लेकिन फिर भी इसका कैमरा बहुत अच्छे क्वालिटी का दिया हुआ है. आप इसे फ्रंट कैमरा से अपने बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं. पोर्ट्रेट मोड जैसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ ब्लर कर सकते हो, अपने आप हो जाएगा. जैसे कि नॉर्मल फ़ोन से भी आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. I'm not afraid of the dark.